हबू का किचन में आज इफ्तार रेसिपी में चाइनीज चिकन रोल बनाएंगे। ये बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है। ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी है। आप इस रेसिपी को इफ्तार में एक बार जरूर ट्राई करें। फ्राई पैन में एक बड़ा चम्मच ऑयल, ऑयल गर्म हो जाने के बाद एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और एक छोटा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट को एक से दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे। एक से दो मिनट फ्राई करने के बाद 250 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो जाने तक इसे फ्राई करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच मरी पाउडर, आधा छोटा चम्मच सोया सॉस, एक छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, एक छोटा चम्मच रेड चिली सॉस, एक चुटकी फूड कलर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढककर चिकन कुक होने तक पकाएंगे और चिकन को ड्राई कर लेना है। चिकन अच्छे से कुक हो गया है और ये ड्राई भी हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा करके इसको श्रेड कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच ऑयल, एक बड़ा चम्मच हाफ क्रश किया हुआ लहसुन, एक बड़ा चम्मच हाफ क्रश किया हुआ अदरक, एक बड़ा चम्मच हाफ क्रश हरी मिर्च ऐड करेंगे। एक से दो मिनट फ्राई करेंगे। अब इसमें आधा कप बारीक कटी हुई गोभी ऐड करेंगे, हाफ कप कैप्सिकम, हाफ कप कैरेट ऐड करेंगे और इसे एक से दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच मरी पाउडर, आधा छोटा चम्मच सोया सॉस, एक बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, एक बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे और हाफ कप बॉईल किए हुए नूडल्स ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। ये दो मिनट के लिए भूनेंगे। चिकन रोल की फिलिंग अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा कर लेंगे। अब स्प्रिंग रोल की एक शीट लेंगे और उस पर बनाई हुई चिकन की फिलिंग रखेंगे। अब इसकी किनारियों पर मैदे की स्लरी लगाएंगे। मैदे की स्लरी लगाने के बाद शीट को इस तरह से फोल्ड करेंगे
और साइड पर भी इस तरह से चिपकाएंगे। इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। थोड़ी सी मैदे की स्लरी लगाकर इसे पूरा कवर कर लेंगे। और इस तरह से इसका रोल बना लेंगे। इसी तरह सारे रेडी कर लेंगे। चिकन चाइनीज रोल रेडी है। आप इसे एक हफ्ते के लिए फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसे फ्राई करेंगे। चिकन रोल को लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो जाने तक इसे फ्राई करना है। चिकन रोल फ्राई होके रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको चिकन चाइनीज रोल की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।